Good morning, class second. Today we will discuss about noun. Our topic is noun, and this is your English grammar book. और अगर आपने book purchase कर ली है, बहुत अच्छी बात है. और अगर आपने अभी तक book purchase नहीं की है, तो सबसे पहले आप ये book purchase कीजिए, book खरीदिए, तभी आपको वो सारे topics अच्छे से clear हो पाएंगे. So students, our topic is noun. Now, what is noun? You know, all people have names. All people means Ram, Shyam, Sita, Geeta, Riya, Priya. These are peoples. All places have names. All places like Delhi, Mumbai, Kolkata, Jaipur, Udaipur. These are places. You know, all animals have names. All animals like cow, buffalo, cat, dog, frog. These are animals. All things have names. You have your mobile phone, your notebook, your pencil, your toys. They have names. Everything is around us. They have some names. जो भी चीजें हमारे आसपास हैं, उनके कुछ ना कुछ नाम होते हैं. जो भी चीजें हमारे आसपास हैं, जैसे हमारे आसपास जो भी लोग हैं, अभी आप अपनी फैमिली में होंगे, अपने घर में होंगे, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो क्या हैं? पीपल मीन्स लोग. आप खुद आप किसमें आओगे? पीपल में. तो जो भी लोग होते हैं आपकी फैमिली में, आपके मदर, फादर, सिस्टर, बॉय, ग्रैंडमा, ग्रैंडफादर, ये सब कौन है? पीपल में आएंगे. और इनके कोई ना कोई नाम है. आपका भी कोई ना कोई नाम होगा, आपके पेरेंट्स का भी नाम होगा. तो ये जो नाम है पीपल्स के, ये सब क्या होते हैं? नाम. आपके पास, आप जहाँ रह रहे हो उस जगह का भी कोई नाम होगा. वो क्या है? प्लेस में है. जैसे आप सैदाबाद में अगर रह रहे हो, तो सैदाबाद क्या है? एक प्लेस का नाम है, एक जगह का नाम है. ऑल थिंग्स हैव नेम्स. थिंग्स यानी आपके आसपास, अगर आप अपनी नज़र घुमाकर अपने चारों तरफ देखोगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी. लाइक अभी आप अगर रूम में बैठे होगे, आपके ऊपर फैन होगा, विंडो होगी, आपके पास अभी खुद का मोबाइल फोन आपके हाथ में है, ये भी थिंग्स में आता है ना. पेंसिल है, इरेजर है, बॉक्स है, बैग है, आपके टॉयस पड़े होंगे, ये सारी चीज़ें क्या हैं? थिंग्स. आपने जो ड्रेस पहना होगा वो भी किस में आता है? थिंग्स. ऑल एनिमल्स हैव नेम्स. ऑल एनिमल्स, जो भी जानवर, किसी के यहाँ हो सकता है आपके यहाँ कोई काऊ हो, कोई किसी ने कैट को पाल रखा हो, किसी ने डॉग को पाल रखा हो. और अगर नहीं भी है, तो आप अपने आसपास इन जानवरों को, इन एनिमल्स को देखे होंगे, तो इन जानवरों को भी आप अलग अलग नाम से बुलाते हो ना. कि काऊ को बफेलो कह देते हो, बफेलो को डॉग कह देते हो, ऐसा तो नहीं है ना. जो एनिमल है उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, उसको हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं. तो ये जो भी नाम है, किसी भी पीपल, किसी भी पर्सन का नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी प्लेस का नाम और किसी थिंग का नाम, ये सारी चीज़ें जो भी जिनके नाम हैं, ये जो नाम होते हैं, इन्हीं को हम नाम कहते हैं. ओके, लेट्स लुक एट द ब्लैकबोर्ड एंड द लुक एट द डेफिनेशन ऑफ द नाउन. डेफिनेशन: ऑल पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस एंड थिंग्स हैव नेम्स. नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. ऑल एनिमल्स, ऑल पीपल, सभी लोगों के नाम, एनिमल्स के नाम, जगह के नाम, प्लेसेस के नाम और थिंग्स, चीजों के नाम क्या होते हैं? सभी के नाम होते हैं. सभी पीपल का कोई ना कोई नाम होता है, मतलब किसी इंसान का कोई ना कोई नाम होता है. कोई एनिमल है उसका भी कोई नाम होता है, कोई प्लेस है, कोई जगह है उसका भी कोई ना कोई नाम होता है, कोई थिंग है तो उसका भी पर्टिकुलर कोई ना कोई नाम होता ही है. एंड नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. और ये जो नेमिंग वर्ड्स है, ये जो सारे नाम है, इन्हीं को हम क्या करते हैं? इनको हम नाम के नाम से जानते हैं.
Let's look at some examples like bird. You know what is bird? Bird is an animal also, है ना? Bird भी एक animal है, पक्षी है, तो ये animal भी आया. Rahul. Rahul. What is this? This is Rahul. Rahul is the name of a person. यहाँ पर Rahul किसका नाम है? Person का नाम है. Delhi. आप सभी Delhi का नाम सुने होंगे. Delhi. तो आपकी कोई family member Delhi में रहता होगा. हो सकता है आप Delhi घूमने भी गए होंगे. तो Delhi क्या है? Delhi एक place का नाम है. Next है ball. आप सभी ball से खेलते होंगे. School में, घर में, कहीं आपने बॉल देखी होगी, आपने बॉल को यूज किया होगा, बॉल से खेला होगा. लेकिन बॉल को क्या आप बैट बना सकते हैं? क्योंकि ये बॉल का नाम बॉल ही है. तो ये क्या है? ये थिंग, एक चीज में आता है, थिंग्स में आती है सारी चीजें. और थिंग्स उन चीजों को हम कहते हैं जो लाइफलेस होती है, जिनके अंदर लाइफ बिल्कुल नहीं होती, उनको हम थिंग्स में कहते हैं. ETC और बहुत सारी एक्सेट्रा में ETC एक्सेट्रा. Then bird, Rahul, Delhi, ball, etc. ये कुछ examples थे. Bird animal का example हो गया, Rahul people का, Delhi place का, और ball things का. I hope you all are understood. मुझे उम्मीद है कि आप सबको नाउन समझ में आ गया होगा कि सभी people के names, सभी animals के name, सभी places के name, सभी things के name, ये सारी चीजें नाउन के नाम के नाम नाम कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, देन ओपन योर बुक चैप्टर नंबर 5 एंड दिस इज योर ग्रामर ग्रिप बुक एंड चैप्टर नंबर 5 नाउन. ओके, लुक एट the page number 12. Rapid reply. Your name, आपका नाम यहाँ लिखोगे. आपका नाम क्या है? People हो गया, people में आया. Your city, आपके शहर का नाम क्या है? Favorite toy, आपका favorite toy कौन सा है? ये आप इसमें book में fill कर लेंगे. फिर आप देखिए next exercise आपको दी गई है. Color the cubes blue which having naming words. ये cubes बने हुए हैं, इसमें कुछ words लिखे हुए हैं और उन क्यूब्स को कलर करना है, ब्लू कलर करना है, जिनके कुछ नाम हैं. वॉक. अब वॉक क्या है? आपको पता है ना, वॉक मीन्स क्या होता है? चलना होता है, वॉक करना. तो ये क्या है? ये तो वर्ब हो गई, ये हमारा एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड आप इसको बोल सकते हो. ये क्या है वॉक? ये तो किसी का नेमिंग वर्ड है नहीं, इसको छोड़ देंगे. बर्ड. बर्ड क्या है? यू नो बर्ड इज एन ए नेम ऑफ एन एनिमल. बर्ड क्या है? एनिमल का नाम है, तो इसको हम ब्लू कलर से कलर कर देंगे. वाइट. वाइट तो एक कलर का नेम है ना, तो ये नहीं है. कोल्ड. कोई चीज़ ठंडी है, कोल्ड है, तो ये तो उसकी सिचुएशन है, ये तो है नहीं किसी का नाम. अब क्या है? क्रो. क्रो आपको पता ही है, आपने कौवा देखा होगा, तो क्रो किसका नाम है? एक बर्ड है ना क्रो, एनिमल है ये, इसको कलर कर देंगे आप. पिंकी. पिंकी एक गर्ल का नाम होगा, तो ये नेमिंग वर्ड्स है हमारा, इसको कलर करिएगा. स्काई. स्काई भी आपका क्या आएगा? थिंग्स में आएगा, इसको भी आप करेंगे. ईट. ईट मीन्स खाना, तो ये तो क्या है आपका? डूइंग वर्ड है, एक्शन वर्ड है, इसको नहीं करना है. फिर है बेल्स. बेल आपने देखी होगी ना, घंटी. बेल होती है क्या? वो थिंग होती है ना, उसको भी कलर करोगे आप. पिलो. आप सभी तकिया लगाकर, पिलो लगाकर सोते होगे, तो पिलो क्या? एक थिंग है, इसे भी कलर करेंगे. किरण. किरण क्या है? एक पर्सन का नाम है, तो ये नेमिंग वर्ड है. ओके, ये भी कलर करना है. ओल्डर. ओल्डर तो किसी का नाम है नहीं. बस. बस इज ऑल्सो नेम ऑफ अ थिंग, ये चीज़ का नाम है ना, तो इसे भी कलर करोगे. आउल. आउल एक एनिमल का नाम है, इसे भी कलर करोगे. शिप. शिप क्या है? एक थिंग का नाम है, ये भी कलर करोगे. किचन. किचन क्या है? एक प्लेस है जहाँ पर खाना बनाया जाता है, इसे भी कलर करेंगे. राहुल. राहुल एक पर्सन का नाम है, तो इसे भी आप कलर करेंगे. ट्विंकल. ट्विंकल कोई वर्ड नहीं है नेमिंग वर्ड, तो इसे आप छोड़ देंगे. इसको करने के बाद
आप देखोगे राइट पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग फॉर ईच नाउन. आपको ये वर्ड दिए हुए हैं, अब ये पर्सन है, प्लेस है कि थिंग है, जो भी है वो चीज़ें आपके सामने लिखनी है. जैसे ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड क्या है, थिंग है, तो यहाँ थिंग लिखा हुआ है ना. अब बैंक, बैंक क्या है, एक प्लेस का नाम है, एक जगह का नाम है, तो यहाँ पर लिखोगे प्लेस. तमिलनाडु एक प्लेस का नाम है. सॉस, सॉस क्या है, ये सारी चीज़ें आप पहले आप क्लियर अपने आप को खुद से करनी है, मैंने तीन आपको बताई हैं. अब सेकेंड है मान्या, मान्या भी किसी का नाम है. आप ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पर्सन क्या है, प्लेस क्या है, एनिमल क्या है, थिंग क्या है, बस ये सारी चीज़ें आपको बुक में फिल करनी है. तो ये दोनों एक्सरसाइजेज आपको बुक में फिल करनी है. और बोर्ड पर जो ये मेंशन है, ये डेफिनेशन, सबसे पहले आपको चैप्टर नेम डालना है, नाउन और एक डेफिनेशन और ये एग्जाम, सिर्फ इतना आ जाए, इतना नोट डाउन करना है. और बुक में ये दोनों एक्सरसाइजेस फिल करने के बाद आप इसके आगे का जो भी एक्सरसाइज हम वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. थैंक यू.